हाँ जी, क्लास प्लस टू है तो चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला गल ये करते हैं कि इस चैप्टर के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग है ना 6 नंबर का सवाल एक पक्का ही आंदा ही आंदा। ठीक है, इस बार तो सैशन 2022-23 के अकॉर्डिंग 7 नंबर का सवाल पेपर च आना, एक नंबर का MCQ ते एक 6 नंबर का सवाल। जो 6 नंबर का सवाल है वो 12B के आना है, मॉडर्न की बुक के अकॉर्डिंग, मतलब जो जिद अपने को इक्वेशन होंगी है, इक्वेशन आप ग्राफिकली सॉल्व करना होंगे, ग्राफिकली मैथड। ठीक है, सो चैप्टर के बारे गल करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग। सो लीनियर की होंगी आप ये बारे गल करते हैं पहला। लीनियर वो कि कोई भी वेरिएबल हो एक्स है तो वो पावर की है 1 हो, बन गया लीनियर। जिमें एक्स प्लस वाई ये भी अपना की है लीनियर ही एक तरह का, क्योंकि यदि पावर किन्नी है एक ही है। ठीक है ना, जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आप लिख दें, ये अपनी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन तो ही लीनियर प्रोग्रामिंग बनती है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग किवें बनती है कि जो इक्वेशन दे विच कोई कंस्ट्रेन आ जाए, कोई कंडीशन आ जाए, मैं जा करो इनक्वलिटी आ जाए। ठीक है, तो जो इक्वेशन दे विच इनक्वलिटी आ जाए ना वो की बन जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग बन जाती है। ठीक है ना, तो हुण इस चैप्टर विच कुछ बेसिक डेफिनेशन आने वाली, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेन सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमम सोल्यूशन। सो इनू करने वास्ते आप एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो कि मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x+2y सब्जेक्ट टू x+2y लेस देन इक्वल टू 10 एंड 3x+y लेस देन इक्वल टू 15 x y greater than equal to 0। नहीं वाली हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की होना, देखो कि लीनियर फंक्शन जेड इज इक्वल टू ax+by विच टू बी मैक्सीमाइज और मिनीमाइज इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब कि इस एग्जाम्पल देखो ध्यान, जेड़े अपने को फंक्शन दे रखा जेड का जो फंक्शन दे रखा है जिन्हों आप मैक्सीम तो जां मिनिमम फाइंड करना होंदा है, फाइंड करना होंदा है। ठीक है, जिहड़े फंक्शन आपां मैक्सिमम जां मिनिमम फाइंड करना होवे उहनूं की कहिंदे आ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहिंदे आ। ठीक है, अगे कंसट्रेन। कंसट्रेन की होंदा है कि जिहड़ियां अपने कोल इनक्वैलिटियां दे रखियां वालियां, आह वालियां जिहड़ियां अपने कोल इनक्वैलिटियां दे रखियां ना उन्होंने की कहें कंसट्रेन कहें कंसट्रेन। ठीक है, तीजा स्टेप कि सोल्यूशन की होंगे, देखो सोल्यूशन वैल्यू ऑफ एक्स वाई विच सैटिस्फाई ऑफ कंसट्रेन। कंसट्रेन मतलब हम ये कंसट्रेन वर्ड ध्यान च रखियो। ठीक है, कि एक्स वाई दियाँ वो वैल्यू जेड़ियाँ कंस्ट्रेन नू सैटिस्फाई करन, कंस्ट्रेन कह लो जां इनक्वैलिटी नू सैटिस्फाई करना। ठीक है, इनक्वैलिटी नू सैटिस्फाई करन सिर्फ इनू ही, मतलब पूरी। ठीक है, इनू नहीं, इत्थे देखो x+2y लेस देन इक्वल टू 10 3x+y लेस देन इक्वल टू 15 सिर्फ इस इनक्वैलिटी नू
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਪਾਇਆ ਕੰਸਟਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੰਸਟਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸਟਰੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ, ਥ੍ਰੀ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਿਫਟੀਨ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲ ਪੀ ਪੀ, ਕਿ ਐਲ ਪੀ ਪੀ ਦੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰੇਨ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕੰਸਟਰੇਨ ਵਰਡ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾ ਲਓ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰੇਨ ਹੈ, ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸਟਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਜ ਏ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੈੱਡ ਲਿਖੋ, ਥ੍ਰੀ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਵਨ ਭਰਿਆ ਵਾਈ ਟੂ ਭਰਿਆ ਫੋਰ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਵ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਟੂ ਹੈ, ਫਾਈਵ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਿਫਟੀਨ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਨ ਅਤੇ ਟੂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਿਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟੂ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਨ ਟੂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਓਪਟੀਮਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਓਪਟੀਮਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਮੀਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲ ਪੀ ਪੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਓਪਟੀਮਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਨ ਟੂ ਲੈਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਵਨ ਭਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
सिर्फ इन्हों दो पार्ट वास्ते की सी सोल्यूशन सी वन टू, तो पूरे पार्ट वास्ते की सी वन टू अपना फिजिबल सोल्यूशन है ना। तो जी वन टू आप जैड के पुट कर दिए तो उन्हें अपन की क्या मैक्सीम थ्री प्लस फोर की है सैवन। हम सैवन अपना की मैक्सीम वैल्यू है। हूँ ये वास्ते सब तो वड्डी वैल्यू की सैवन है, सैवन तो वड्डी कोई वैल्यू होर है नहीं गई, सैवन तो वड्डी वैल्यू कोई होर है नहीं गई। सो सैवन यदा की है मैक्सीम। सो जो फिजिबल सोल्यूशन इस कंडीशन नू भी सैटिस्फाई कर जी, ठीक है, जोड़ा सोल्यूशन कह लो या जी वैल्यू कह लो इन दोवें इस कंडीशन नू भी सैटिस्फाई कर जी, उन्हों अपना की उन्होंने आप कहने ऑप्टिमम सोल्यूशन कहने हैं, ठीक है। मतलब जड़ी सीधी गल दिमाग चलो जी वैल्यू एल पी पी के अकॉर्डिंग मैक्सीम तो मिनीम वैल्यू दे, ठीक है, उन्होंने आप कहोंगे ऑप्टिमम सोल्यूशन कहोंगे, ठीक है। सो एक सीकुएंस में याद रखने पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए अपन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो फिर कंस्ट्रेंट चाहिए है। चलो ये तो अपने इक्वेशन ही वरती जाते हैं। सो सब तो पहले सोल्यूशन चाहिए अपन, सोल्यूशन तो अपना की बनता है फिजिबल सोल्यूशन बनता है, तो फिजिबल सोल्यूशन तो ही अपना ऑप्टिमम सोल्यूशन बनता है। सो ये डेफिनेशन है इन चैप्टर दी। सो जिन्ना चैप इन डेफिनेशन ही अपना वन मार्क्स का एम सी यू पेपर च आ ही जाता है, ठीक है। सो अपना इस तो बाद अपना जो इस चैप्टर 12 बी के कुछ सवाल देखेंगे ग्राफिकली मैथड के नाल, ग्राफिकली 12 बी के ग्राफिकली मैथड के नाल अपना दो सवाल देखेंगे जिन्होंने प्रॉपर ग्राफ के सॉल्व करेंगे। फिर 12 सी के कुछ चार पाँच सवाल है वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो सिर्फ अपना कलियाँ इक्वेशन ही बनावेंगे, ग्राफ तुसी अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। हाँ जी, सो हम आप 12 बी एक्सरसाइज विच्चों कुछ दो या तीन सवाल देखेंगे कि अपने को इक्वेशन गिवन है इस तरह लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, इक्वेशन गिवन है। सो इन्हों आप ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। सो इन्हों लीनियर प्रोग्रामिंग आप ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो जो जेड है इनू आप मैक्सीम प्रूफ करना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इनू आप करना है मैक्सीम प्रूफ करना है, तो अपने को इक्वेशन की होना है ये वाली दोनों इक्वेशन है जी कंस्ट्रेन है, ये दोनों अपने को इक्वेशन है इन्हों सॉल्व करना है। तो पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लिखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। सो टेबल बनावेंगे इस तरह, इस इक्वेशन विच एक्स नू जीरो पुट करन ते आपां नू आंसर वाई मिलता है 50, ते वाई नू जीरो पुट करन ते आंसर मिलता है एक्स दा 50। सो इस इक्वेशन विच पॉइंट मिलते हैं 0,50 ते 50,0, ठीक है ना। हुण सैकेंड इक्वेशन देखो, ये वाली 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। सो ग्राफ बना के सॉरी टेबल बना के पॉइंट चेक करेंगे आप, एक्स जीरो वाई 90, वाई जीरो एक्स 30, ठीक है। सो पॉइंट हूँ 0,90 30,0, ठीक है। जो काम है सर आप प्लस वन क्लास में चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनक्वैलिटी में कर चुके हैं, ठीक है। तो हम आप भी चेक करना जो आप जो इक्वेशन है ये ग्राफ के उपर जी आप लाइन बनावेंगे वह एरिया जीरो के वल शेड करना है कि जीरो के वल
जीरो दे वाले शेड करना कि जीरो तो दूर शेड करना है, मैं जीरो तो बाहर वाला कि जीरो दे अंदर वाला, ये भी चेक करेंगे। ये किवें करेंगे, देखो कि अपने को इनक्वलिटी गिवन है एक्स प्लस वाई लैस दैन और इक्वल टू 50। सो ये आप एक्स ते वाई दोनों जीरो भर देने हैं, तो चेक करना जीरो लैस दैन और इक्वल टू 50। सो जी कंडीशन है, एक कंडीशन अपनी की ट्रू और फॉल्स है, चेक करना जीरो लैस दैन और इक्वल टू 50। सो एक कंडीशन की है ट्रू है। सो जी लाइन का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह, वो जो ग्राफ आ जीरो के अंदर वाल शेड होगा, जे कंडीशन ट्रू है तो जो ग्राफ आ अंदर वाल शेड होगा, जे कंडीशन फॉल्स है तो ग्राफ का जो एरिया बाहर वाल शेड होगा। तो जो बाहर वाला जो एरिया होंगे इनू कहते अनबाउंडड एरिया, कि अपन पता ही नहीं कितों तक चलेगा, तो इनू कहते बाउंडड एरिया, ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन। ओके, सो जी आ वाली इनक्वैलिटी है जोड़ा यदा एरिया वो जीरो के वाल शेड होगा। हम ये भी चेक कर लें, एक्स वाई दोनों जीरो भर दें, सो ये कंडीशन भी अपनी ट्रू है, सो यदा एरिया भी जीरो के वाल शेड होगा अंदर वाल, ठीक है। हम दो इक्वेशन है, जो इन दोनों इक्वेशन आप ग्राफ के बनावे तो आप इन दोनों इक्वेशन का कॉमन एरिया शेड करा, कॉमन एरिया की है शेड करा। सो देखो इस तरह ग्राफ बनाने आ रहा कि एक्स जीरो, ठीक है, तो वाई 50 बना रहा, फिर x 50 y 0। हम इन दोनों पॉइंटों में आप लाइन पास करा दें, ठीक है। इस लाइन का नाम लिख दें x प्लस y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट कि एक्स जीरो वाई 90 वाला, एक्स जीरो वाई 90। सो एक मिनट, ये लाइन बनाने तो पहला आप एरिया शेड कर दें जीरो वाल इस तरीके, ठीक है, थोड़ा लाइट शेड करेंगे क्योंकि आप कॉमन एरिया फाइंड करना है इस तरीके, तुम समझ आ रही होनी देखो, ठीक। हम आप ए वाला लाइन का ग्राफ बनावे, एक्स जीरो वाई 90 आ रहा, फिर एक्स 30 तो वाई 0 आ रहा। सो इन दोनों विचों ग्राफ ठीक है आ रहा। ओके, तो इस लाइन का नाम है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सो यदा भी आप एरिया जीरो के वाले शेड करा, ठीक है। सो हम यदा कॉमन एरिया कि देखो, वो एरिया जिथे दोने की है मिल रहे होना आपस में, सो वो एरिया आ वाला है। ओके, हम जो अपन आह दे रखा ने एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यदा की मतलब जो कॉमन एरिया ना वो आप फस्ट पार्ट के ही रखना है, फस्ट क्वाड्रेंट के ही रखना है। फस्ट क्वाड्रेंट के क्यों रखना है, क्योंकि दोनों की है पॉजिटिव है, तो फस्ट क्वाड्रेंट में ही अपना एक्स वाई पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सो कॉमन एरिया अपना ए वाला आ जाएगा, ए वाला,
ओके okay. तो फिर आप चुकने कॉर्नर पॉइंट, जो आ कॉर्नर पॉइंट है ग्राफिकली तो अपने सही मिल जा करे, ठीक है। सो मिल भी रहे ग्राफ पर, देखो एक्स तो अपना 20 आजगा तो वाई अपना 30 आजगा, तो एक आ कॉर्नर पॉइंट है जिथे अपना जो कॉमन एरिया कट कर रहे ना, जिन्हें पार्ट के अपना कॉमन एरिया मिल रहा है वो कॉर्नर पॉइंट चक लेने के। अपना हम इतने इतने अपना कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, सॉरी इतने इतने अपन कॉमन एरिया मिल रहा ना, सो जिते से मिल रहा ये अपना की कॉर्नर पॉइंट है। अपने 0,50 हो गया, 0,0 हो गया, तो 30,0। तो ये अपना ये पॉइंट चेक करने हूँ फिर भी, तो फिर आप दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इतने, आ दो लाइन एक का भाई एक भी, इन्हों पर सॉल्व करके देख लिया करा। तो देखो सॉल्व करके वेखने से 3x+y=90, x+y=50। सो साइन चेंज कर दो, वाई कैंसल, 2x=40, x=20। सो x 20 अपना ये पुट कर देने सैकेंड में, तो y=30 कि 30 आ जाएगा। सो इंटरसैक्टिंग पॉइंट कह 20 एंड 30, सो ग्राफ के उपर भी सही मिल रही है। तो पेपर के ये सम आप ग्राफ के उपर ही सॉल्व करा। ओके हम देखो कॉर्नर पॉइंट अपने को कि इतने लिखा अपना एक मिनट, हाँ जी कॉर्नर पॉइंट देखो कि आएंगे कॉर्नर पॉइंट, एक तो 0,0 आएगा, ओके एक 30,0 आएगा, एक 20,30 आएगा, एक 0,50 आएगा। जेड दे विच पुट करना 4x+y, तो मैक्सिमम आप फाइंड करना है। हम जो कॉर्नर पॉइंट आप इस जेड में पुट करी जावे, जो 0,0 ये पुट के तो 0 ही आ गया, एक्स की वैल्यू 30 भरेंगे आंसर 120, जो एक्स की वैल्यू 20 तो वाई 30 भरेंगे 80+30 कि 110 आ जाएगा, तो वाई 50 भरेंगे आंसर 50 आ जाओ। सो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कि है 120 है, ठीक है। सो मैक्सिमम z=120 @30,0, सो ये अपना कि आंसर है, ठीक है। सो इस तरह ग्राफ आप पेपर के सॉल्व करना है। सो बहुत वे चांस है इस तरह का जो सवाल है पेपर के आन दे 6 नंबर, ठीक है। हाँ जी नैक्सट सम देखो अपना कि मैक्सीमाइज z=3x+2y, तो इनक्वैलिटी अपन की होना है x+2y <= 10, 3x+<= 15, तो ये अपने को की है नॉन नैगेटिव कंस्ट्रेन। सो इन फर्स्ट इक्वेशन मनो, इन सैकेंड मनो। सो पहला आप फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाने, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल देखो कि जो आप इस इक्वेशन दे विच एक्स 0 पुट किया वाई 5 आ गया, तो वाई 0 पुट किया एक्स 10 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट की है 0,5 है तो 10,0, ठीक है। तो जी आप ग्राफ चेक करना हो कि 0 दे वल शेड करना है कि 0 तो बाहर वाल शेड करना है, तो इक्वेशन दे विच ऐदे विच एक्स ते वाई दोनों 0 भर दो, 0<= 10, सो कंडीशन इज ट्रू। जो इस लाइन का जो एरिया वो 0 दे अंदर वाल करांगे शेड आप, ठीक है। हुण आ जाओ सैकेंड इक्वेशन विच, ओके
टेबल बनावा इस तरह एक्स जीरो पर आएंगे तो वाई है अपने को आएगा 15, ठीक है। तो वाई जीरो पर आएंगे एक्स अपने को आएगा 5, तो पॉइंट बन गए 0,15 5,0। हम एक कंडीशन भी चेक कर लेने हैं, तो 0 <= 15 हो जू है ना इतने, तो कंडीशन की है ट्रू है। सो यदा एरिया भी 0 के अंदर वाले शेड करा, ठीक है, अंदर वालों शेड करा। हूँ आप इन्हों दोनों का कॉमन एरिया फाइंड करना है। सो देखो ग्राफ के उपर वाला, सो पहला आप पॉइंट बना, पॉइंट लभने इस इक्वेशन के। सो एक्स जीरो वाई फाइव यही वाला पॉइंट है, ठीक है। उस तो बाद एक्स 10 वाई 0 ये वाला पॉइंट, ओके। सो हम ये विचों लाइन पास कर देने पा, ठीक है। हम यदा एरिया भी की है 0 के वाल शेड करना है ना इस तरह 0 के अंदर वाल, ठीक। तुसी सर काम पेपर दे ब्लैक पेंसिल ना करना, ठीक, काली पेंसिल ना, ब्लैक पेंसिल ना करना, पेन नाल नहीं करना, ओके। पेपर दे ग्राफ दे ऊपर जिहड़ा भी काम करना ब्लैक पेंसिल नाल, ओके। उस तो बाद सैकेंड इक्वेशन देखो की है एक्स जीरो वाई 15, एक्स जीरो वाई 15 आ रहा, एक्स फाइव तो वाई जीरो ना, ये लाइन पास करा दो, ओके। सो यदा एरिया भी 0 के वाल शेड करना है, क्योंकि यदि कंडीशन भी ट्रू है आप चेक कर चुके हैं। सो हम इन दोनों लाइनों का कॉमन एरिया केड़ा, देखो वाला। सो ये कॉर्नर पॉइंट केड़े होंगे, देखो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0,0 इत्थे आएगा, आ वाला एक 0,5 आ जाएगा ना, तो एक 5,0 आ जाएगा। तो तीजा कॉर्नर पॉइंट अपन लभना है, तो तीजा ही चौथा आ वाला। हमने ग्राफ आप बड़ा छोटा बना लिया, तो अपन ये सामने पॉइंट देखने थोड़े औखे हो गए, ठीक है। सो हम आप पॉइंट की है एलिमीनेशन मैथड लाग चेक करा, जो पहला चेक किया है। हम ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करा, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं, जरा तो इक्वेशन सॉल्व करनी ना ये रफ काम च करना, ठीक है, पेपर में शो नहीं करना, ओके। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यदि मल्टीप्लाई करो 3 नाल, यदि कर दो 1 दे नाल, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, साइन विल बी चेंज, तो वाई दी वैल्यू आ गई 3 आ गई, ते वाई 3 ये पुट कर देने पा सैकेंड दे। सो 3x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 4। सो हम अपने ये इंटरसैक्टिंग पॉइंट केड़े थे 4,3। हम देखो आप वैसे भी अपना जो इतों लैके इतों तक 5 का गैप मने ना, जोड़े ये बरीक बरीक लाइन है ना डॉट लगे है, ये 1-1 का गैप हो गए, तो जे अपन काउंट भी करा तो अपन पॉइंट 4-3 मिल जाएंगे, ओके। पर तुसी पेपर दे विच इन्हें सॉल्व करके चेक कर लेना, सॉल्व करके तुहानू आंसर प्रॉपर मिल जू, ठीक है।
ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹ ਆਨਸਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 4,3 ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ 3x+2y ਦੀ। ਜਦੋਂ 0,0 ਭਰਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਨੂੰ 5 ਭਰਾਂਗੇ ਐਕਸ ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਆਂਸਰ 10 ਆ ਜਾਊ, ਐਕਸ ਨੂੰ 5 ਭਰਾਂਗੇ ਵਾਈ ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਆਂਸਰ 15 ਆ ਜਾਊ, ਐਕਸ ਨੂੰ 4 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 12, ਵਾਈ 3 ਭਰਿਆ ਤਾਂ 6, 12+6=18, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੈੱਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 18 ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 4,3। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ 12B ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ 12B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਜੈੱਡ, ਜੈੱਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ x+2y, ਅਤੇ ਇਹ 3 ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ x=3, ਸੋ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ 0 ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਨੂੰ 0 ਭਰ ਦਿਓ, 0>3, ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਕਰਨਾ, 0 ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੱਲ, ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x+y=5। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਐਕਸ ਭਰਾਂ 0, y=5 ਹੈ, ਵਾਈ ਭਰਾਂ 0, x=5। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ 0,5 ਅਤੇ 5,0। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ 0 ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ xy ਦੋਨੋਂ 0 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 0>=5, ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸ ਭਰਿਆ 0, ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ 3 ਆਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਭਰਿਆ 0, ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ 6 ਆਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ 0 ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਕਿ 0 ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 0>=6, ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਲਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੀ, x=3, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਕੇ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ
थ्री आ वाली। उस तो बाद सेकंड इक्वेशन की एक्स जीरो है तो वाई फाइव है आ रहा, तो फिर एक्स फाइव है वाई जीरो आ रहा, इन दोनों विच्चों लाइन पास करावांगे आपां। इस लाइन का नाम की है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, इस नाम एक्स इज इक्वल टू थ्री। सो ठीक है, हुण आपां इहदा एरिया भी शेड करना ना, इहदा एरिया बाहर वाल जाऊगा, इहदा एरिया भी बाहर वाल जाऊगा। ठीक, हुण आपां तीजी इक्वेशन दा बनाउणे आ, ग्राफ देखो एक्स जीरो वाई थ्री आ रहा, तो एक्स सिक्स है तो वाई जीरो, इहदे विच्चों करांगे आपां लाइन पास। ठीक, हुण ध्यान दे नाल ये देखना कि अपने कोल कॉमन एरिया केड़ा आऊगा ते कॉर्नर पॉइंट केड़े आउणगे इहदे विच। हुण जिहड़ी आपां लाइन आ ड्रा कीती है, इस लाइन दा नाम की है, देखो एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। हुण ध्यान नाल देखना है, इहदा एरिया भी बाहर वल जाऊगा। हुण आपां कॉमन एरिया चुकना जिहड़ा सारिआं दा बाहर वल जांदा होवे, उह केड़ा आऊगा, इत्थों लै के इतों तक आ लाइन टच कर रही है, आ लाइन नहीं कर रही, मतलब जी आ वाली लाइन है कॉमन च नहीं आ रही, इतों लैके ये उपर उपर आ सारा कॉमन एरिया है। ठीक है, गल समझ आई, एक तो आ लाइन होगी, ठीक है भाई, एक आ लाइन होगी, एक आ लाइन होगी, एक आ लाइन होगी, आ लाइन अपने कॉमन एरिए नहीं आ रही। ओके, हुण लभणे आपां कॉर्नर पॉइंट। सो मेन तां कॉर्नर पॉइंट लभणा कम है। सो जे आपां कॉमन एरिया लभ लए ध्यान नाल तां कॉर्नर पॉइंट भी मिल जाणगे। सो पहला कॉर्नर पॉइंट तां आ रहा 6,0। हुण दूजा कॉर्नर पॉइंट आ वाला है जिथे दोनों लाइनां कट कर रही हैं। ठीक है, सो ग्राफ दे अकॉर्डिंग दोनों लाइनां कट कर दी हैं, एक तो हैगी लाइन कि एक्स प्लस टू वाई है, जो तो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग चैक कर सकते हैं तो देखो फोर तो वन है, थोड़ी जी अपन लाइन गलत लग गई, तो उंज फोर तो वन है कॉर्नर पॉइंट, पर फिर आप मैथड के नाल चैक करेंगे ध्यान ना। देखो मैथड के नाल किवें, हुण देखो कड़ियाँ दो लाइन आपस में इंटरसैक्ट कर दी हैं, ध्यान ना सुनो गल, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਆ ਦੋਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਫਾਈਵ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈਵ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਉ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵਨ ਭਰ ਦਿਉ, ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰ, ਤੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 4,1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਪਿਆ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ। हम जो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए तो क्लीयर पता लग रहा है एक्स थ्री है तो वाई टू है, बट फिर भी चैक करेंगे आप, उन्हें चैक किवें करना, देखो इत्थे केड़ियां दो लाइन आपस में इंटरसैक्ट कर दी हैं, एक तो एक्स इज इक्वल टू थ्री है, तो एक दूजी लाइन कि अपनी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, वाई किन्ना टू आ गया, तो वाई उंज भी अपना टू ही आ रहा है। ओके, सो ये तीन ही अपने की कॉर्नर पॉइंट है। ओके, तो इन कॉर्नर पॉइंट को अपना जेड दे विच पुट करांगे, जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई, जो छे ते जीरो भरांगे आंसर माइनस छे आ जाऊगा, जो चार ते एक भरांगे
आंसर माइनस दो आजगा, जो तीन से दो भरेंगे तो आंसर एक आजू। सो जेड मैक्सिमम अपना हो जूगा कि एक हो जूगा कि पॉइंट दे एट थ्री टू दे। ठीक है, तो मेन तो जो आ सवाल थोड़ा डिफरेंट सी, तो मैं आई होप सुन जो सवाल है ग्राफ के अकॉर्डिंग सुनो समझ आ गया होगा। तो इस अपने 12B जो मेन मेन सम से सारे इस तरह की है वो अपनी की है कंप्लीट है, बाकी बचे सवाल तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो। इस तो बाद अपना 12C की जी वर्ड प्रॉब्लम चार या पाँच, उस वर्ड प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन ही बनावेंगे। ठीक है, ग्राफ तुम अपने आप ट्राई करोगे। हाँ जी, सो हम आप शुरू कर रही है एक्सरसाइज 12C। तो 12C अपनी स्टेटमेंट प्रॉब्लम होनी है LPP दी, सो उन्होंने सॉल्व करा। सो उन्होंने सॉल्व करने की तरीका देखो, अपना एक इदा टेबल बनाया करा इस तरह। सो टेबल इतने आप लिखा परसन, कोई भी परसन हो सकता है, परसन मान लो कोई टेलर हो गया या कोई परसन AB हो गया। परसन वो चीज़ होगी जिहड़ी चीज़ काम करती है, मतलब काम तैयार करती है, वो चीज़ पर अपना परसन मनांगे जिहड़ी काम तैयार करती है। जो कोई AB मशीन होगी, कोई टेलर हो गया, है ना, कोई भी चीज़ होगी जो काम तैयार करती है, जिहड़ी चीज़ काम जिहड़ी चीज़ तैयार की जाती है उन्हों परसन मनांगे। फिर इतने क्वांटिटी जिहड़ी आप हरेक बारी एक्स ते वाई लैट करिया करांगे। ठीक है, फिर इतने वरायटी आजूगी, वरायटियां अपनी कोई दो होनगियां, कोई दो वरायटियां, दो भी हो सकती हैं या तीन भी हो सकती हैं वरायटियां। ठीक है, मान लो कोई अपने कोई टेलर है ना, टेलर ए है टेलर बी है। हुण टेलर दे कोल वरायटी की होगी, एक पेंट भी हो सकती है तो शर्ट, ये दो वरायटियां होनगियां ना कि टेलर पेंट भी बनाते हैं तो शर्ट भी बनाते हैं। ओके, सो तीजे टेबल च की होगा अपना कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट की होता जिदे अपने कोल कंस्ट्रेंट की होगा, देखो इत स्पैलिंग क्लीयर पाने हैं, जिदे अपने कोल एट लीस्ट जां एट मोस्ट दी कंडीशन दिती होगी। ठीक है, कंस्ट्रेंट विच। ओके, तो फिर एक टेबल दे विच बनाओगे पा मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैक्सिमम मिनिमम अपना केड़ा होगा, देखो मैक्सिमम मिनिमम आप मनांगे जिथे अपने को प्रॉफिट कह लो या कॉस्ट की गल की जाऊगी, जिहड़ी कंडीशन दे विच अपने को प्रॉफिट बारे गल की जाऊगी स्टेटमेंट दे विच। ठीक है, सो इस तरह आप टेबल बनाया बना के सवाल सॉल्व करांगे। ठीक है, तो ये टेबल फॉलो करना है, पहले परसन लिखने AB, कोई भी अपन परसन दे रखे होंगे, परसन कि मना जिहड़ा काम तैयार करता है या जिहड़ी चीज़ तैयार हो रही है। क्वांटिटी तो फिक्स ही है, हरेक बार आप XY ही रखांगे। फिर इतने वरायटी आजगी, वरायटियां दो भी हो सकदियां तीन भी हो सकदियां, सो जिन्नियां वरायटियां होनगियां है ना उन्नी अपनी इक्वेशन बननी है। फिर कंस्ट्रेन आजगा जिहदे बारे को जिहदे बारे अपने को एट लीस्ट या एट मोस्ट की कंडीशन की है दिती होगी। फिर मैक्सिमम तो मिनिमम ये भी आप स्टेटमेंट के लगे। ठीक है, सो हम 12C कुछ सिलेक्टेड सवाल जी सॉल्व करा पा। देखो सुनो भाई, इन्होंने सवालों की टेबल है ग्राफ है और रफ बाय हैंड ही बनावे। ठीक है, पहला आप ग्राफ से सॉल्व नहीं करा, तुम पर ग्राफ के उपर ही सॉल्व करोगे। ठीक, सो देखो, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। सो हम इसे गल तो क्लीयर होगी, एक इतने आप टेबल बना ही लें। हम जी परसन है अपने को, परसन कौन है, केक है, क्योंकि जिहड़ी चीज़ तैयार की जाती है ना वो अपने वास्ते की है परसन होंगे है,
हूँ इतने केक आ गया। हूँ केक किन्ने तरह का? दो तरह का, ये फर्स्ट काइंड का केक है ते सेकंड काइंड। ओके ते हूँ जो केक दे विच फ्लोर है ते फैट है, हूँ ये दोनों अपनी की वरायटी है। ठीक है, वरायटी ले लेते, एक फ्लोर है एक फैट है। ओके उस तो बाद देखो, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg एंड फ्लोर एंड 1 kg फैट। ठीक, सो हुण इहदे विच आ अपने को कंस्ट्रेन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोर किन्ना अपने को 5 kg है, तो 1 kg की है फैट है। सो दसना देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इनग्रीडियंट यूज इन केक। सो हुण आपां इहदी की है शॉर्टेज ना हो वे, ठीक है, इनग्रीडियंट दी केक बनाने वास्ते जो आप मटीरियल वरतना है वो शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। ओके सो हुण जिहड़ी नॉट शॉर्टेज पाई है एक हिसाब की उन्हें की लिखती ऑबजैक्टिव फंक्शन है, ये अपना की ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सो देखो ध्यान अगर आप स्टार्टिंग करते हैं जी, लेट नंबर ऑफ केक फर्स्ट काइंड मनेंगे आप एक्स, तो सेकंड काइंड मनेंगे वाई। ठीक है, एक क्वांटिटी है। ओके सेकंड काइंड मनेंगे वाई। हुण फ्लोर देखो किन्ना है, फर्स्ट काइंड दे विच किन्ना है 200 ग्राम है, तो फर्स्ट काइंड विच फैट किन्नी है 25 ग्राम। ओके तो सेकंड काइंड दे विच देखो कि फ्लोर किन्ना 100 ग्राम, तो फैट किन्नी है 50 ग्राम। ठीक है, हुण जिहड़ी मैक्सिमम कंस्ट्रेन अपनी, मैक्सिमम कंस्ट्रेन वध तो वध किन्नी है 5 kg, केजी नूं कन्वर्ट करें ग्राम दे विच 5000 ग्राम हो जू, 1 kg किन्ना हो 1000 ग्राम। ओके सो हुण अपनी इक्वेशन की बनू, ध्यान देखो क्वांटिटी दे अकॉर्डिंग 200x प्लस 100y। ठीक है, हुण मैक्सिमम किन्नी है, फर्स्ट टाइम 5000 है, सो लैस दैन और इक्वल टू 5000, वध तो वध 5000 है फैट दे ये फर्स्ट काइंड ते सेकंड काइंड मिला के। ओके वध तो वध 5000, तो उस तो बाद सेकंड इक्वेशन की बनू 25x प्लस 50y लैस दैन और इक्वल टू 1000, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हुण इहनूं आपां सॉल्व करांगे, तो एक्स वाई आपां पॉजिटिव ही रखने हुंदे ना, नॉन नैगेटिव कंस्ट्रेन। हुण इहदे विच्चों आपां फस्ट इक्वेशन दे विच्चों देखो 100 नूं कॉमन लवांगे, सो ये अपना बन जूगा 2x प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू 50। ये फस्ट इक्वेशन इहनूं मन्नो, इहदे विच्चों 25 कॉमन 40। ठीक है, इन सैकेंड मनो, तो हम ये अपना ग्राफ बनाने बाय हैंड ही। पहला आप फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाने पॉइंट वाला, एक्स वाई, एक्स 0 वाई 50 हो जूगा, वाई 0 एक्स किन्ना हो जू 25 हो जू। ओके उस तो बाद देखो सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाने पॉइंटों वास्ते, एक्स 0 तो वाई 20 हो जूगा, वाई 0 एक्स 40 हो जूगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का, ये सेकेंड का। हम कंडीशन चेक कर रहे हैं आप फर्स्ट इक्वेशन की, ट्रू है कि फॉल्स है,
ਜੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੀਰੋ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਲੈਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50, ਇਹ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਜੀਰੋ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੇਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੀਰੋ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਟਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਦਸ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਐਕਸ ਜੀਰੋ ਅਤੇ ਵਾਈ 50, ਇਹ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਜੀਰੋ ਵਾਈ 50, ਫਿਰ ਵਾਈ ਜੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ 25 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਜੀਰੋ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ 25, ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀਰੋ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, 2x + y = 50। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਐਕਸ ਜੀਰੋ ਵਾਈ 20 ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ 40 ਵਾਈ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ 2y = 40। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 0 0 ਆਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਆ 0 20 ਆਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਆ 25.0 ਆਜੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਉ, 2x + y = 50, x + 2y = 40। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ 30 ਆਜੂਗਾ, ਵਾਈ 30 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ 10 ਆਜੂਗਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ, 10, ਜਿਸੋ ਸੋਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ 3y ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆਊਗੀ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਅਤੇ ਵਾਈ ਆਪਾਂ 10 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2x = 40, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਆ ਜੂ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ, 20 ਅਤੇ 10 ਹੋਣਗੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ, 20, 10, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਨੋਟ ਸ਼ੋਰਟੇਜ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜੂ x + y, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੋਨੇ 0 + 0, ਵਾਈ 20 ਹੋਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ 25 ਹੋਜੂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 30 ਹੋਜੂ। ਸੋ 30 ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 30, ਸੋ 30 ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਟ 20, 10।
ठीक है, इस तरीके आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करा। सो मेन तो टेबल है, जो तुम्हें टेबल बना आ गया तो तुम ग्राफ सॉल्व कर सकते हो। सो जो बाकी बचे सवाल है उन्हें सिर्फ अपन टेबल तो इक्वेशन ही बनावे, ग्राफ तुम अपने आप ट्राई करना। ठीक है, जो तुम फिर कोई दिक्कत लगी तो तुम दस सकते हो। सैकेंड सम देखो अपने पास, देखो ए डीलर विश टू परचेज अ नंबर ऑफ फैन एंड सेविंग मशीन। हम देखो अपने को परसन किनू मनेंगे, एक फैन मनेंगे, एक सेविंग मशीन मनेंगे। ही हैज ओनली 5760 रुपीज, कि ओदे कोल सिर्फ 5770 रुपये ने, 760 रुपये ने टू इनवेस्ट खर्चन वास्ते। एंड हैज एट मोस्ट 20 आइटम, तो वो तो 20 आइटम खरीद सकता है। ठीक है, हम इस चीज़ ध्यान समझो, रुपये वो तो खर्च करने हैं 5760 रुपये, तो टोटल उन्हें आइटम किन खरीदियाँ वो तो भी, ठीक है, वो तो भी खरीद सकता है, घट तो घट जिनी मर्जी 19 भी हो सकती, 18 भी है ना, भी तो वह नहीं। ए फैन है, ए फैन कॉस्ट्यूम रुपीज 360 एंड सेविंग मशीन इज 240। कि फैन की कॉस्ट कि 360 है, ठीक है, तो मशीन की कॉस्ट कि 240 है। ओके, ही एक्सपैक्ट ए गेन, वो प्रॉफिट करना चाहता है 20 रुपीज, 22 रुपीज ऑन फैन, फैन के उपर उन्होंने प्रॉफिट हो 22 रुपीज, तो जी सेविंग मशीन वाली उपर कॉस्ट हो 18 रुपीज। ठीक है, सो जो अपना आप प्रॉफिट है ये अपना की बन जू, एक तरह का ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूरी अलाइन। ओके, सो हम आप टेबल फॉलो करते हैं। देखो इस तरह इतने जी परसन है वो केड़ी केड़ी है, एक तो फैन है, एक सेविंग मशीन है। ओके, सो आप लैट करने पहला, लैट नंबर ऑफ फैन एक्स हो जूगा, तो सेविंग मशीन वाई हो गया। ओके, सो क्वांटिटी अपने को हो गई एक्स फैन वाई। ओके, वरायटी के देखो कि अपने कोस्ट आ गई है ना आवली, सो आवली कोस्ट है, कोस्ट ऑफ फैन अपने को 360 है, तो मशीन की किन्नी है 240 है। ओके, हम ध्यान ना देखो कॉस्ट भी आप वरत ली है ना आवली। हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो अपने को होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप इतने लिख दें रफ कम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू हम 22 रुपीज है, मतलब 22 आप लावे एक्स, क्योंकि 22 एक्स क्यों लाया, क्योंकि 22 रुपीज़ की फैन के उपर है, तो फैन की क्वानिटी कि एक्स मनी है प्लस, तो मशीन की क्वानिटी कि मनी है वाई, तो रुपीज़ कि 18 प्लस 18 वाई, ये बन गई अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये चीज़ समझ आई थोनों? ठीक, अगे हम ये बनाई इक्वेशन, देखो इक्वेशन की बनूगी, पहला तो 360 प्लस एक्स प्लस 240 वाई। ठीक है, हम फैन तो जी मशीन है इन्होंने दोनों की कॉस्ट कि 5760 रुपये एट मोस्ट वो तो क्योंकि उन्हें रुपये सिर्फ इन्नी ही खर्च करने हैं, तो करके कंडीशन एट मोस्ट। ठीक है, ये होगी पहली इक्वेशन। अपने हमें जी दूजी इक्वेशन देखो ध्यान, जो 20 आइटम है मतलब जी फैन तो मशीन इन्ह दोनों की टोटल आइटम कि एक्स प्लस वाई कि वो तो 20 है, लैस दैन और इक्वल टू 20। ठीक, लैस दैन और इक्वल टू 20 बन गई अपनी सैकेंड इक्वेशन, क्योंकि फैन हो गया
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 20 ਆਈਟਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 0,0 ਆਊਗਾ, ਇੱਕ 16,0 ਆਊਗਾ, ਇੱਕ 8,12 ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਏਗਾ 0,20। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਏ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ 1500 ਰੁਪੀਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਫੋਰ ਪਰਚੇਜ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸੀ, 5760 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ, 1500। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 1500 ਆਜੂਗਾ। ਫੋਰ ਪਰਚੇਜ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਵੀਟ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਨੇ ਪਰਚੇਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਟ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਰਾਇਟੀ, ਠੀਕ। ਇਹ ਬੈਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਇਹ ਬੈਗ ਆਫ ਵੀਟ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 180 ਰੁਪੀਸ ਅਤੇ 120 ਰੁਪੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ 10 ਬੈਗ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 10 ਬੈਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਵੀਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ, 10 ਬੈਗ ਬਣਨਗੇ। ਹੀ ਅਰਨ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। 11 ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ 19 ਰੁਪਈਏ, ਜਿਹੜਾ 11 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ, 19 ਰੁਪਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਬੈਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਬੈਗ ਆਫ ਵੀਟ ਕਿੰਨਾ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਾਇਟੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਗ ਨੂੰ ਵਰਾਇਟੀ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਾਈਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰੀ, ਵਰਾਇਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨ ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਵੀਟ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਮੰਨੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸਟ ਆਜੂਗੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 180, ਅਤੇ ਵੀਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 120, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੀਚੇ, ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੈ, 1500, ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ 15,000, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਜੈੱਡ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, 11x+19y। 11 ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, ਐਕਸ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਵੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, ਵਾਈ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, 180x+120y, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ, 1500 ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਈਏ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਆਵਲੀ ਆਊਗੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕੋਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ 3x+2y ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਹੈ ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਵੀਟ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬੈਗ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ 10 ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ, 10 ਬੈਗ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ x+y ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਬਣ ਗਈ,
ठीक है। सो ए बन गई अपनी इक्वेशन, आ बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस तो बाद इन तुसी अपने आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो तुसी इन सॉल्व करोगे तो ये कॉर्नर पॉइंट मैं ऑलरेडी सॉल्व किए हुए है, वो केड़ी केड़ी होंगे तुसी नोट कर लो। एक तो 0 0 आएगा, एक 25/3 0 आएगा, एक 5/5 आएगा, एक 0 and 10 आएगा। ये की होंगे कॉर्नर पॉइंट होंगे, तो ग्राफ तो ही अपने आप ट्राई करना है। ठीक, हाँ जी, सम नंबर 4 देखो, जिहड़ा सम नंबर 4 है ये बिल्कुल सम नंबर 1 नाल है, बिल्कुल बस कोई स्टेटमेंट ही वड्डी है। सो ध्यान नाल देखो, ए कंपनी मेक 2 टाइप ऑफ टीचिंग एड, ए एंड बी ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास प्लस 2। मतलब कोई कंपनी है, उन्हें क्लास प्लस 2 मैथमेटिक्स वास्ते टीचिंग एड बनाने हैं, तो कंपनी का नाम की है, एक ए है एक बी है। ठीक है, सो हम अपन परसन तो मिल गई ए ते बी। ठीक है, तो उस तो बाद देखो, ईच टाइप ऑफ रिक्वायर 9 लेबर और फैब्रिकेटिंग एंड 1 और लेबर और फॉर फिनिशिंग। जी फैब्रिकेटिंग वास्ते किन्नी लेबर है? 9 और है, तो 1 और लेबर कहदे वास्ते है? फिनिशिंग वास्ते है। ठीक, जी कंपनी ए तैयार करती है, ईच टाइप ऑफ बी रिक्वायर्ड, जी बी है वो कि 12 लेबर और करती है फैब्रिकेटिंग, तो 3 लेबर और कर दी है फिनिशिंग वास्ते। ये की अपनी कह लो कंपनी बी है, फॉर लैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग। मैक्सिमम लेबर आर पर वीक 180 rupees and 30 rupees। मैक्सिमम लेबर किन्नी है? मशीन ए वास्ते 180 rupees है, तो मशीन बी वास्ते किन्नी? 30 rupees। ओके, सो कंपनी मेक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट वर्ड आ गया, जिते प्रॉफिट वर्ड आ गया, ठीक है, या लॉस वर्ड आ गया, उत्थे अपन की हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, उत्थे अपन की है हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा। सो 80 rupees ऑन ईच टाइप ए, तो 120 ईच पीस बी। ठीक है, सो देखो ध्यान देना, हम आप लैट करेंगे, पहला लैट कर दें नंबर ऑफ पीस टाइप ए, नंबर ऑफ लैट नंबर ऑफ पीस टाइप कंपनी ए किन्नी है? एक्स, ते टाइप ऑफ कंपनी बी की मन्नांगे ओ वाई। ओके, तो टेबल दे अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो टाइप ए है ते बी है, ते क्वांटिटी अपने को की मन्नी गई एक्स ते ओ वाई। ठीक है, हम इतने आ गई एक फैब्रिकेटिंग आ गई जी वरायटी है, एक अपने को फिनिशिंग आ गई। ओके, थोड़ी फैब्रिकेटिंग है देखो जी, आ वही है वो पहले कि 9 है, तो बी को कि 12 है। ओके, तो फिनिशिंग ए को कि 1 है, तो बी को कि 3 है। ओके, हुण गल करदे कंस्ट्रेन, वो आपां नीचे लिख दिंदे आ, जिहड़ी टाइप ए कोल ना वह किन्नी होगी अपने कोल टोटल ओवरऑल, इत्थे लिखदे आपां किन्नी है टाइप ए कोल लेबर 180 है, तो बी कोल किन्नी है 30 है। कंस्ट्रेन है ना एक हिसाब की। ठीक, तो हुण आपां गल करनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बनू, वह मैक्सीमम बनूगा जेड किन्ना बन जूगा 80x + 120y। ठीक है, ये तो बन गया अपना मैक्सीमम जेड। हम बनाने इक्वेशन, इक्वेशन की बनूगी 9x + 12y <= 180। ठीक है, फिर x + 3y <= 30। ओके,
इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, एक्स वाई अपने की ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो हो जाएंगे नॉन नैगेटिव कंस्ट्रेंट। तो ये अपनी बनिया इक्वेशन तो इन बायग्राफ आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कॉर्नर पॉइंट अपने को आने देखो जो तुम ग्राफ के उपर सॉल्व करोगे एक तो जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है, 20 जीरो आ जाएगा, 12 6 आ जाएगा, तो 0 10 आ जाएगा। ये पुट करके आप मैक्सिमम तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, बट तुम ग्राफ इनू अपने आप ट्राई करना है। ओके, हाँ जी, सम नंबर 5 देखो। सो ये अपना 12 सी एक्स लास्ट सम है, सो जो बाकी बचे सवाल सर वो भी आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो टू टेलर ए एंड बी आर पेड 220 रुपीज एंड 300 रुपीज फोर पर डे। जो दो टेलर है ए ते बी, हम जो ए ते बी दो जो टेलर है ये अपने परसन बन गए, वो पेड कर रहे हैं 225 रुपये 300 रुपये पर डे का। ठीक है, ए कैन स्टिच 9 शर्ट एंड 6 पेंट, जो टेलर ए है वह 9 शर्टा 6 पेंटा की बना, बी है 15 शर्टा 9-6 पेंटा पर डे तैयार करता है। फोर मिनीमाइज लेबर टू कॉस्ट, जी मिनीमाइज लेबर है ना कॉस्टली वो की है 90 एटलीस्ट, घट्टो घट एटलीस्ट वर्ड आ गया कि 90 शर्ट तो 48 पेंट कि कॉस्ट है ना लेबर पी है किसी उन्होंने तैयार कर शर्ट तो पेंट न घट्टो घट 90 शर्टा तो की है 48 पेंट की पैंती है। ओके, सो टेप इत पहला लैट करते हैं, लैट टेलर ए फोर वर्क की है एक्स है तो बी की है फोर वर्क वाई डेज। फिर इत टेलर ए लिखो परसन टेलर बी है ना परसन अपने एक सौ क्वांटिटी अपना एक्स मनी तो वाई मनी है ना डे वाली। इतने लिखो पेंट शर्ट। ओके, सो पहले शर्ट लिखा आप फिर पेंट लिखा पर देखो टेबल परसन ए है तो बी है क्वांटिटी एक्स है तो वाई है। सो पहला शर्ट अपना शर्ट लिखो इत वरायटी फिर पेंट। ओके, फिर कंस्ट्रेन वाल जावे, कंस्ट्रेन थोड़ा ध्यान ना देखना इस सवाल च इतने एटलीस्ट है उदू पेल अपने को मैक्सीम हों वर्ड। ठीक है, हमने गल ध्यान याद रखियो, फिर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन अलग ही बनावे। सो देखो परसन ए शर्ट बना 9 तो पर जो टेलर बी है वह शर्ट बना 15 पेंट 6 है तो दूजे को अपनी की है एक मिनट तो टेलर बी को भी बी दे को भी 6 पेंट ही है। ठीक है, हुण कंस्ट्रेन देखो ध्यान कि टेलर ए हो गई है 90 90 शर्ट तैयार करता है 48 पेंट शर्ट की मतलब किन्नी कंस्ट्रेन अपने को 90 है तो पेंट की किन्नी है 48। हम ध्यान देखो इतनी कंस्ट्रेन की आऊगा, इतने लिख लो पेंट वास्ते 90 शर्ट वास्ते लिख लो 48। ओके, सो इक्वेशन की बन 9x प्लस 15y लैस दैन और इक्वल टू, ठीक है, ये ग्रेटर दैन हो जूगा क्योंकि घट्टो घट 90 90 तो वध भी सकते हैं। ठीक है, लैस दैन और इक्वल टू 90। ओके सॉरी, ग्रेटर दैन और इक्वल टू ग्रेटर दैन आ कंडीशन अपनी की है 90 तो ग्रेटर है। ओके,
सो सीधी गल दिमाग से रखनी, जो तो मैक्सीम हो तो आह वाला सिंबल वरतेंगे अपना, जो एटलीस्ट हो तो आह वाला एक्स वाई वाल अपना एक्स वाई वेरिएबल व्डा कर देना है। ठीक है, तो सैकेंड इक्वेशन की सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई ठीक ग्रेटर दैन और इक्वल टू 48। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के आप थ्री कॉमन लवेंगे, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 36 कॉमन लवेंगे, एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। फर्स्ट से सैकेंड इक्वेशन एक्स वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की होगा अपना, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना की मिनिमम होगा, मिनिमम जेड की होगा आ रहा 225 रुपये। ठीक है, 225 एक्स प्लस 300 वाई। ठीक है, तो इन्हें तुम ग्राफ अपने आप ट्राई करना है। तो कॉर्नर पॉइंट ये होंगे 10, 0, 5, 3, 0, 8। ठीक, इन्हों वैल्यू जेड पुट करके मिनिमम वैल्यू तुम चैक कर सकते हो, तो दसना भी जरूर है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आई है। सो इस अपनी 12 सी एक्सरसाइज की कंप्लीट है। ओके, सो चैप्टर 12 भी थोड़े कहते कंप्लीट पूरा हो चुका है।